ओके राइट, सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे माइक्रो स्टेट के बारे में, ठीक है। माइक्रो स्टेट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की व्यवस्था, ठीक है, अरेंज करने की सिमेट्री या टेक्निक क्या कहलाती है? माइक्रो स्टेट। ओके ठीक है, देखते हैं माइक्रो स्टेट क्या देख रहा कि किस हिसाब से निकालती है। जैसे मान लो फाइंड आउट किसके लिए निकालनी है हमें, पी टू कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या निकालनी है हमें, माइक्रो स्टेट निकालनी है, कितनी माइक्रो स्टेट होंगी पी टू कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये इधर लिख सकता है मैंने। यहाँ क्या है, एन आई इज द टोटल नंबर ऑफ इन ऑर्बिटल, कितने मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आर प्रेजेंट नंबर ऑफ, ये ठीक है, प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें आई नहीं, सॉरी, फैक्टोरियल है ये, एन फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ओके तो फाइंड करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या है, पी में कितने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। ओके 6 का फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड। अब हाँ, ये आर कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 का फैक्टोरियल, 6 - 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, फैक्टोरियल के लिए ऐसे लिखते हैं, देखो 6, ठीक है, फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं 6 का, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके 2 1, ओके, यहाँ 4, तो 4 × 3 × 2 × 1, ओके ठीक। इससे ये डिवाइड हो गया, इससे ये तो कितना होगा, तो फाइनली इसके लिए कितनी आई, 15 माइक्रो स्टेट, ठीक है फ्रेंड। पी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को 15 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अभी, ठीक है, कैसे भरते हैं। इसके लिए कितनी आई हैं, 15 माइक्रो स्टेट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को 15 तरीके से हम इसमें फिलअप कर सकते हैं पी ऑर्बिटल में, ठीक है फ्रेंड। भरते हैं, ठीक है, पहले तो ऐसे ही करते हैं। ये क्या है, +1 0 -1, ओके भाई ये समझ, +1 0 -1, ठीक है, सबका नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये ठीक है, यहाँ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए एक भी ऑर्बिटल का, ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेंड, ओके नो, इधर करते हैं आप, ठीक है, ओके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 तरीके से हमने इनको, दो इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट कर चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर 15 इलेक्ट्रॉनों को इसमें, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉनों को 15 तरीके से पी ऑर्बिटल में भर दिए हमने, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है और भी है, मान लो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, P1 के लिए, ठीक है, P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, P1 के लिए क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 का फैक्टोरियल,
वन का फैक्टोरियल, सिक्स माइनस वन आएगा यहाँ पे, सिक्स माइनस वन का फैक्टोरियल सिक्स, ओके ये है फाइव, फोर लिखूंगा कट डिवाइड हो जाएगा, कितने आई सिक्स, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन के लिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सिक्स तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ओके ऐसे लिख सकते हो, मिटाऊंगा ऐसे लिख, ठीक ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस वन हो रहे हैं, ठीक है, या इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, सो रहे हैं यहाँ तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है फ्रेंड, सिक्स तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो फाइव F के लिए निकालनी है हमें, ठीक है, D के लिए, F के लिए, किसी के लिए निकाल सकते हैं, D के लिए भी क्या यही फार्मूला है, किसके लिए निकालना है, डी टू के लिए, ओके डी टू के लिए क्या करेंगे भाई, D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टेन, ठीक है, टेन का फैक्टोरियल टू, ये यहाँ लिखेंगे टेन माइनस एट का फैक्टोरियल, ओके टेन नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ओके टू का फैक्टोरियल इंटू वन का फैक्टोरियल इंटू सॉरी सॉरी एट होंगे, एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू इंटू वन, ओके ठीक है, नाइन फाइव फोर्टी फाइव, ठीक है फ्रेंड। तो डी टू के लिए कितनी माइक्रो स्टेट हुई, डी टू के लिए हुई हमारी 45 माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट हुई इसके लिए, ठीक है, डी टू के लिए 45 माइक्रो स्टेट, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में हम 45 तरीके से क्या कर सकते हैं, हम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ के लिए भी सेम है, ठीक है। और अगर इस हिसाब से कहीं पे दिया रखा हो क्या हो, 3p, ओके 3p के लिए क्या निकालना है हमें, माइक्रो स्टेट निकालनी है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2s+1 2l+1, ओके ये मल्टीप्लिसिटी, और ये क्या है हमारा निकालने के, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है ये, ठीक है, ये कितनी होगी 3 इंटू टू एल, एल 0 फॉर एस पी डी एफ, ओके एस के लिए 0 एल की वैल्यू, और पी के लिए 1 डी के लिए 2 एफ के लिए 3, तो ठीक है, पी है पी एल की वैल्यू, अगर P है तो L की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, इसके लिए कितनी माइक्रो स्टेट हो गई, 3 माइक्रो स्टेट, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था, कवर कर चुके, ठीक है। Thank you for watching my video and please subscribe my channel.